नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई वीरान अंतर्गत दूसरों की जमीन हड़प कर वहां पर अवैध बांधकाम करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहां जो मामला हम आपको बता रहे हैं, ये मामला उससे भी एक कदम आगे है। यहां अवैध जमीन को हड़प कर वहां अवैध बांधकाम तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ जो जमीन मालक है उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जमीन मालक इस हद तक डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि उसे खौफ है कि कहीं उसके साथ कुछ हो न जाए। दरअसल मामला है विरार के कनेर क्षेत्र का, जहां कनेर अंतर्गत खैरपाड़ा में सर्वे नंबर 17, 20, 21 और 22 की जमीन जो है, यह जमीन जयवंत पद्मन गायकर नामक युवक का दावा है कि यह जमीन उनकी है। इस जमीन को उन्होंने आदिवासी वहां के निवासी से खरीदी थी। बाद में कुछ भूमाफिया, जिसमें मुख्य आरोपी अजीत गुप्ता, सदानंद राजभर, वेद कुरैशी और असलम शेख, इस तरह के कुछ भूमाफिया उस जमीन मालक जो खेडू थे, जो आदिवासी है, उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उस जमीन पर अनाधिकृत बांधकाम शुरू कर देते हैं। जयवंत पद्मन गायकर ये भी एक आदिवासी है और उन्होंने आदिवासी से जमीन खरीदी थी, ऐसा इनका दावा है। इनके पास रजिस्ट्रेशन के कागजात है, इनका ऐसा कहना है और इनका केस भी कोर्ट में केस भी शुरू है। उसके बावजूद, उस जमीन पर स्टे होने के बावजूद वहां अनाधिकृत बांधकाम हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। और जब ये जमीन मालक उसका विरोध करने गए तो सामने के भूमाफिया की तरफ से इनको डराया गया, धमकाया गया, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस जयवंत पद्मन गायकर ने आयोजित की, उसमें उन्होंने साफ आरोप लगाया कि इन भूमाफियाओं ने न सिर्फ उनकी जमीन हड़पी है बल्कि उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इनका यहां तक कहना है कि कल अगर इनके साथ कुछ अप्रिय घटना हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इन सभी चीजों को लेकर इन्होंने प्रशासन से शिकायत भी की है, ऐसा भी इनका कहना है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं जयवंत पद्मन गायकर, जो इस मामले के पीड़ित है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मैंने विरार फाटा कनेर पुलिस चौकी के यहाँ पे अनंता विठल खांडोड़े, यहाँ इनकी जगह ली है, वो जगह आदिवासी है और मैं लेने वाला भी आदिवासी हूँ, लेकिन कोई कारण के वजह से एक अजीत नाम का भूमाफिया वहाँ पे आके खेड़ों को मेरे खिलाफ करके वो जगह हड़प की है। और उनके साथीदार सदानंद राजभर, असलम शेख, वाहिद कुरैशी, ये सब उनके साथीदार है। लोग ने मेरे से गलत व्यवहार किया और जगह पे जाते थे तो मेरे को धमकी देते, गालियां देते, और उनके साथ और कोई बहुत सारे गुंडे लोग है, वो उनसे मेरे को खतरा है। और बाकी का जो मेरा कोर्ट का दावा चालू है वो भी सुनने को तैयार नहीं है। क्या इन लोगों के पीछे कोई राजनीतिक शख्सियत भी है? नहीं नहीं, इनके से राजनीति ऐसी नहीं है। इनका मकसद है मेरे को मारना या मेरे को वहां से भगाना और वो जो जगह है मेरी वो हड़प करना है। मेरे काम कंप्लेंट की है, पुलिस स्टेशन में रजिस्टर अर्जा किया है। पुलिस ने आगे का कुछ कार्रवाई कुछ नहीं की, खाली बुला के उनके साथ, शायद उनके जो भी अंडरस्टैंडिंग रहता वही, उसके अलावा उनके साथ कुछ नहीं किया है। ना यार, जान से मारने की धमकी किसने दी? अजीत गुप्ता ने दी। क्या कहा है उसने आपको? नहीं नहीं, तू जगह पे आ मत, नहीं तो तुमको हम लोग मार डालेंगे। अजीत गुप्ता कौन है? वहाँ का भूमापी है। मामला कहाँ का है? हाँ, मामला विरार फाटा कनेर पुलिस चौकी के पीछे तुलजावानी का मंदिर है, उसके जस्ट पीछे वो जगह है और जगह ये सब सामायिक है। और कोर्ट में जाने के बाद मेरे को कोर्ट से स्टे भी पूरा मिला, पूरा प्रॉपर्टी का और सामायिक जगह के वजह से। और मेरे को कंटम ऑफ डिग्री करके मैं पूरा पैसा दिया, कर्जा लेके, बैंक से कर्जे, दोस्त लोग से कर्जे लिए, वो सब देके भी मेरे को जगह नहीं मिली। और ये सब भूमाफिया सब वहाँ पे जगह हड़प कर रहे हैं। वहाँ लगभग जगह 11 एकड़ थी और मेरे को अभी कोर्ट के ऑर्डर की वजह से 57.6 मिली है और मैं लगभग 80 से 90 लाख उनको दिया है। कब लिया था ये? 2018 में व्यवहार हुआ था, 2 साल कोर्ट में मैटर चला, कोरोना के बाद हमारा आपस में समझौता हुआ, उसके बावजूद भी मेरे को उन लोग दादागिरी परेशानी कर रहे हैं।
अजित गुप्ता जो आहे हा कोण कोण साथीदार आहेत त्याच्यानंतर सदानंद राजभर म्हणून आहे वाहिद कुरेशी आहे असलम शेख आहे आणि इतर लोक आहेत त्याच्या अशी काही धमकी दिली हा गोळी मारण्याची म्हणजे ते बोलतात तुमचे हातपाय तोडणार ऐकलं का तुला जीवात मारून टाकणार तू आलास तर या सर्व गोष्टी होतात आणि दांडे काटे वगैरे सर्व त्यांच्याकडे हत्यार आहे चाकू सुरा त्यांच्याकडे आम्ही एनी टाइम असतात पोझिशन सध्या 50% माझ्याकडे 50% दुसऱ्याकडे आणि माझ्या ज्या कोर्टात जी डिग्री करून जी जागा भेटलेली 57 पॉईंट त्याच्यामध्ये पण ह्या लोकांनी जबरदस्तीने साधारणत 15 ते 18 गुंठ्यामध्ये जबरदस्तीने पोझिशन केलेलं आहे. या संदर्भात तुम्ही कोणाकोणाशी पत्रव्यवहार केला आणि कोणत्या मी विरार शहर महानगरपालिका यांना पत्रव्यवहार केला एकदा नाही दोनदा नाही तीन वेळा पत्रव्यवहार केलाय पोलीस स्थानिक पोलीस स्टेशन मांडवी यांनाही पत्रव्यवहार वारंवार 3-4 वेळा केला ग्रामपंचायतला केलाय तहसीलदारला पण केलाय कलेक्टर म्हणा त्यांना सर्व रिसर अर्ज केलेले मी आहेत तरी सुद्धा पुढील काही कारवाई काही नाही तालाडी पाला तातरपतर पंचनामा करून ते निघून गेले हे म्हणजे जवळ सर्व सेटलमेंट करूनच सर्व गोष्टी होतात आणि माझ्यावरती खूप मोठा अन्याय झालेला आहे आणि मी एकटा कमिशनर मुझे न्याय मिळना चाहिए मैं गरीब इंसान हूँ मैं इधर उधर से कर्जा ले बैंक से कर्जा लो वो सब मैं देने को तैयार हूँ और मेरे से अन्याय हुआ है और मेरे को अन्याय का वो होना चाहिए मेरे हिसाब से तक्रार वगैरे काही नोंद नाही केली रिसर फक्त त्यांनी सांगितलं काय असेल तर तुम्ही समजून घ्या दुसरं काहीच नाही प्रशासन सपोर्ट कुछ नाही प्रशासन के जब भी गए तो बोले हमारे पास मनुष्य बल कम है यानी इंसान मतलब जो साथ में कर्मचारी जो है वो कम है अभी हमारे इसमें कोई नहीं है हमारे अवेलेबल होंगे तब हम आपको बोलेंगे तो करते करते कितना टाइम गया एक गरीब इंसान को सब जो लीगली सब जाते प्रोसेस में तो उनको न्याय नहीं मिल रहा तो सामान्य इंसान का क्या है उसमें कुछ भी नहीं कभी सीपी साहब कमिश्नर साहब के पास गए इसमें नहीं गया उनके साथ नहीं गया उनके पास नहीं किया उनके साथ हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर